बिल्कुल भी लाइन नहीं है, पूरा खाली है, डायरेक्टली छोड़ दिया है। ये फ़ायदा होता है जल्दी आने का। इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत बढ़िया है, एंड मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो महड़ में था वहाँ पे भी, देन थेउर में था वहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी मैं पहले आया था, तो जो इंटीरियर था ना वो सिमिलर है काफ़ी सभी मंदिरों का। तो मैं दिखा देता हूँ अंदर। यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस है फ़ोटो वगैरह निकालने के लिए या फिर वीडियो करने के लिए, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। जो इंटीरियर है ना, ये ऑलमोस्ट सभी मंदिरों में, सभी अष्टविनायक में कॉमन है। वरद विनायक पे भी सेम ही था, देन थेउर में भी सेम ही था। यहाँ पे अलाउड नहीं है फोटोग्राफी मंदिर के अंदर। ये है गाभारा, यहाँ से बाहर आते गार्डन्स है। लास्ट टाइम जब मैं इस टेंपल में आया था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, एंड अभी जितना मैं यहाँ पे शूट कर पाया हूँ या फिर फोटो खींच पाया हूँ एंड वीडियो शूट कर पाया हूँ, उतना लास्ट टाइम अलाउड नहीं कर रहे थे। गार्ड्स भी बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे। ये देखो गार्डन है, यहाँ पे भी गार्ड बैठ के तो सकते हैं। और लास्ट टाइम जब दर्शन हुआ था वो बाहर से हुआ था, गाभारा के अंदर जाके दर्शन नहीं हुआ था लास्ट टाइम, बाहर से दर्शन कर पाए थे, लेकिन इस बार गाभारा में जाके अंदर जाके पूरा दर्शन ले पाया हूँ, अच्छी बात है। आई थिंक लास्ट टाइम संकट चतुर्थी थी उस टाइम पे आए थे। एनीवेज ऑल सेट है, दर्शन हो गया है, एंड अभी ग्लोव्स वगैरह पहन लिया हूँ। ये यहाँ से कमान है, इस कमान से बाहर निकलना है। इधर मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो अभी निकलते हैं, लगभग 61 किलोमीटर्स का डिस्टेंस यहाँ से है सुपा के लिए। अराउंड 1.5 आवर लगेगा। रांजनगांव में थोड़ी ट्रैफिक रहेगी क्योंकि यहाँ पे MIDC है तो बड़ी गाड़ियाँ होती है, तो निकलते हैं। बाय बाय रांजनगांव, गणपति बप्पा मोरिया। यहाँ से रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा वहाँ तक, मैंने बोला था यार ट्रैफिक होती है यहाँ पे। MIDC है उसकी वजह से ये बड़ी गाड़ियाँ होती है, एंड यही कारण है यहाँ की ट्रैफिक का।
अभी आज का प्लान बता देता हूँ। अभी जाना है सुपा, घर जाना है, तो वहाँ से फिर थोड़ा आराम करना है मेरे को। रात में नींद नहीं ले पाया मैं, लगभग 5 घंटा ही सो पाया हूँ, तो मेरे को ब्रेकफास्ट करके थोड़ा आराम करना है, 1-2 घंटा आराम करूँगा। बर्थडे सेलिब्रेशन की थोड़ी प्रिपरेशन बाकी है, वो करनी है। एंड एट द इवनिंग हमको आना है शिरूर में, जो पीछे अभी गया, शिरूर घोड़ नदी नाम था कुछ, शिरूर में आना है। वहाँ पे हम एक स्पेशल प्लान है बर्थडे सेलिब्रेट करने का। मुझे लगता है कि हर किसी ने बर्थडे सेलिब्रेट हो या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो, जो भी सेलिब्रेशन आप कर रहे हो, तो कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए जिससे आप किसी और की ज़िंदगी में रोशनी ला पा रहे हो। तो ये प्लान मैं जब यहाँ पे आया था, मैं अक्टूबर में यहाँ पे था, एंड अक्टूबर में जब मेरा बर्थडे था, तो मेरे बर्थडे पे सेलिब्रेशन यहाँ पे करा था। वो प्लेस है स्वर्गीय सिंधुताई सरकार द्वारा स्थापित एक ऑर्फनेज होम है यहाँ पर शिरूर में, नगर हवेली तालुका में। देखो भाई साहब ने क्या लिखा है, डोंट कॉपी माई स्टाइल। अच्छा, वॉट इज़ योर स्टाइल? वो स्टाइल तो पता होना चाहिए ना हमको, तभी तो कॉपी करेंगे। पता है ये गाड़ी के पीछे जो लिखा होता है ना, वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। अब यहाँ पे देखो इस अल्टो पे क्या लिखा है, अल्टो ही आई थिंक, नंबर प्लेट पे देखो उसके, गॉड ब्लेस यू लिखा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू। यहाँ से लेफ्ट लेना है। मैं यहाँ पे पहले आया था, इसलिए अपने को लोकेशन का कोई दिक्कत नहीं है, पता है सब। अपने को जाना है मई के घर। चलो भाई, उसको बोला था मैंने रामजनगांव से निकलने के बाद कॉल करूँगा, लेकिन कॉल किया नहीं था, सीधा फोन चाहिए। ठीक है, यहाँ से ही लेफ्ट लेना है क्या? यहाँ से नहीं है, यहाँ से ही है। मैं जब आया था तब ये फ्लैग नहीं था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। बाइक यहाँ पे होता है अपना व्लॉग ख़त्म। आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, घंटी को दबाना, दोस्तों को भेजना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दैट्स इट गाइस, बाइक बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, गर्म हवा आ रही है बहुत। दिस इज़ विजय भोसले साइनिंग आउट। जय हिंद एंड बाय बाय।